नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। और जो मेरा नया फ्रेंड्स है, फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं, भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका आंसर होगा अनेकता में एकता। ये भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं, संसद जननी किसे कहा जाता है? संसद जननी किसे कहा जाता है? तो है ब्रिटेन की संसद को। ब्रिटेन की संसद को सभी संसदों की माँ कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं, भारत किसके व्यवसाय काल में स्वतंत्र हुआ? भारत किसके व्यवसाय काल में स्वतंत्र हुआ? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन के व्यवसाय काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। ओके फ्रेंड्स, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर भी यही रहे थे, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर होगा कोयला। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद कोयला है। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो इसका आंसर होगा मध्य एशिया से। आर्य लोग मध्य एशिया से भारत में रहने के लिए आए थे। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा हरिहर बुक्का ने। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो वह है मिथेन। मिथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है? क्या कार्य है हीमोग्लोबिन का मुख्य? तो है ऑक्सीजन को ले जाना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाती है। ओके फ्रेंड्स, कहाँ होता है हीमोग्लोबिन? ब्लड में होता है हमारे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वो है सेवाल का। फाइकोलॉजी में सेवाल का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? तो इसका आंसर होगा जैव प्रणाली। पारिस्थितिकी प्रणाली जैव प्रणाली होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, आयोडीन के ट्विंक्चर में निहित होता है? आयोडीन के ट्विंक्चर में निहित होता है? क्या होता है आयोडीन के ट्विंक्चर में? तो होता है एल्कोहल। एल्कोहल आयोडीन के ट्विंक्चर में होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, रूबल कहाँ की मुद्रा है? रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा रूस की। रूबल रूस की मुद्रा है। रूस जो कि विश्व का सबसे बड़ा देश है। ओके फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17, रखो और निकलो किसकी नीति है? रखो और निकलो किसकी नीति है? तो
इसका आंसर होगा पूंजीवाद की, रखो और निकलो पूंजीवाद की नीति है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, क्या है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया? तो इस टाइम होता है जल हानि, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के दौरान जल हानि होती है। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें तो आपको इसी तरह जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।